वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज माय सेकेंड वीडियो ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 8 एंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस में बी कैटेगराइज्ड एज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यू नो दोज फोर्सेज इन विच द टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेज। मीन्स कि यदि फोर्स एग्जर्ट होता है दो बॉडी के फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ, मतलब टच करने के बाद, यदि टच करने के बाद फोर्स यदि एग्जर्ट होता है तो फिर हम कहेंगे कि ये कौन सा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें बॉडी को टच करना क्या है तो नेसेसरी है, जब तक हम टच नहीं करेंगे तब तक हम इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं कह सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए जो है दो बॉडी का आपस में कॉन्टैक्ट होना जो है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जो है नेसेसरी है, अदरवाइज हम इसे कॉन्टैक्ट फोर्स जो है नहीं कह सकते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर एज फॉलोज। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एग्जर्टेड बाय आवर मसल्स, यू नो द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। यदि हमारा हमारे बॉडी का जो मसल्स है उस मसल्स के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसे हम लोग जो है मस्कुलर फोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूज मस्कुलर फोर्स व्हेन दे कैरी ब्रिक्स और सीमेंट। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है जब वो ब्रिक्स या सीमेंट को कैरी करता है तो वो अपने मसल्स का यूज करता है, इसलिए इसे हम कहेंगे मस्कुलर फोर्स। ऐसे ही है फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है तो उसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। या ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स और ट्राई टू स्लाइड्स ऑन ए रफ सरफेस देन इट्स मोशन इज अपोज्ड बाय ए फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन। मतलब यदि कोई बॉडी किसी रफ सरफेस पर स्लाइड करता है या स्लाइड करने का ट्राई करता है तो उसके मोशन का जो अपोज करता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि मूविंग बस है, कार है, उस सब के टायर्स और जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है। इसके बाद आपको है मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। मशीन के द्वारा जो फोर्स लगता है उसे हम कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। यदि बस रोड पर यदि मूव कर रही है तो वहाँ पर भी आपको जो है ये मैकेनिकल फोर्स ही काम करता है। यदि मैकेनिकल फोर्स काम नहीं करेगा तो बस जो है रोड पर मूव नहीं कर सकती है। अब जानिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। द फोर्सेज विच डू नॉट मेक ए फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी एंड एक्ट थ्रू स्पेस आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। जो बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट का जो फोर्स एक्ट होता है उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ये कुछ स्पेस से ही वर्क करता है, इसके लिए दो सरफेस का आपस में कॉन्टैक्ट होना नेसेसरी नहीं है, ये बीच के स्पेस से ही क्या होता है तो वर्क करता है। जैसे कि वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा सो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। थैंक यू।